हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक प्रोग्राम। आज हम कंप्यूटर के मेन ड्राइव्स HDD और SSD के बारे में जानेंगे। डेटा को स्टोर करने की नई स्टोरेज डिवाइस टेक्नोलॉजी जिसे हम SSD के नाम से जानते हैं। तो क्या आप भी HDD और SSD में अंतर जानना चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद कंप्यूटर में बहुत सारे बदलाव किए गए, जिसमें फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव और अब SSD स्टोरेज डिवाइस, जो एक नई टेक्नोलॉजी है। अब अगर आप भी न्यू कंप्यूटर सिस्टम लेने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सा स्टोरेज ड्राइव लेना चाहिए? जानते हैं दोनों में कौन सा ड्राइव सबसे बेहतर है। SSD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। ये डेटा स्टोर करने की थोड़ी पुरानी और स्लो टेक्नोलॉजी है। HDD को IBM नाम की एक कंपनी ने 1956 में बनाया था। इसमें डेटा डिजिटली स्टोर नहीं होता, ये डेटा को मैग्नेटिज्म के आधार पर स्टोर करता है। इसमें स्पिंडल और प्लेटर लगे होते हैं। जितनी स्पीड से स्पिंडल प्लेटर को घुमाएगा, हार्ड डिस्क में डेटा उतनी ही तेज़ी से घुमाता है और इसमें बने सेक्टर्स में डेटा स्टोर होता है। SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ये हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड की तरह ही एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन इसमें डेटा को माइक्रोचिप में स्टोर किया जाता है। इसी कारण ये सभी स्टोरेज डिवाइस से फास्ट और पावरफुल है। चूँकि और सभी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में इसमें अधिक डेटा स्टोर करने की क्षमता है, इसलिए इसका उपयोग कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के बदले किया जा रहा है। SSD के कुछ टाइप्स। वैसे तो SSD देखने में बिल्कुल किसी ग्राफिक्स कार्ड की तरह ही दिखता है, लेकिन SSD माइक्रोचिप्स को एक प्लास्टिक या मेटल केस के अंदर रख दिया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार स्टैंडर्ड साइज की SSD होती है, जैसे 1.8 इंच, 2.5 इंच और 3.5 इंच। हालांकि कनेक्टिविटी और स्पीड के हिसाब से SSD के कई टाइप होते हैं, जैसे कि पहला टाइप है सेटा SSD। सेटा टाइप के SSD में कनेक्टर स्विच की संख्या 7 होती है, इसलिए इसे कंप्यूटर में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। ये दिखने में बिल्कुल लैपटॉप हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह होता है। दूसरा है M-SATA SSD। M-SATA SSD खासकर लैपटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये नॉर्मल SSD के साइज़ से थोड़ा छोटा होता है और दिखने में RAM की तरह होता है, लेकिन इसे इंस्टॉल करने के लिए मदरबोर्ड में M-SATA पोर्ट का होना ज़रूरी है। अगला है M2 NVMe PCIe SSD। इस प्रकार की SSD सबसे फास्ट होती है। ये साइज़ में बिल्कुल ग्राफिक्स कार्ड की तरह होता है। इसे PCIe स्लॉट और नॉर्मल SATA केबल की मदद से आसानी से इसे कनेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि हाई परफॉर्मेंस के साथ छोटे साइज का होता है, इसलिए इसे लैपटॉप के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए जानते हैं HDD स्टोरेज वाले लैपटॉप को कब लेना चाहिए। अगर आपका बजट कम है और आपको ज़्यादा स्टोरेज, जैसे 2 TB 5 TB स्टोरेज चाहिए और स्पीड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, या फिर फास्ट कॉपी, रीड और राइट की ज़रूरत ना हो और आप हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग करने की ज़रूरत ना हो, तो आप HDD वाले लैपटॉप को ले सकते हैं। SSD स्टोरेज वाले लैपटॉप को कब लेना चाहिए? अगर आप अपनी PC में फास्टर परफॉर्मेंस चाहते हैं, कम स्टोरेज कैपेसिटी में भी आपका काम चल सकता है, गेमिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपके सिस्टम में हाई ग्राफिक्स यूज़ करने के कारण हीटिंग प्रॉब्लम होती है और आपका बजट अधिक है, तो आप SSD वाले लैपटॉप को ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।